मैडम जी, आप ये बैग ले लीजिए 1000 रुपए में। अच्छा, मैं क्यों ले लूँ ये बैग? तो क्या ना, रात को ट्रेन में मेरा पर्स और मोबाइल दोनों चोरी हो गए और मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं। ये बैग मैंने 1500 रुपए में लिया था, लेकिन मैं आपको 500 रुपए में दिया था, तो ये ले लीजिए और मुझे 500 रुपए दे दीजिए बस। दिखने में तो अच्छा खासा लग रहा है और अच्छे खासे कपड़े भी पहने, तेरे पास 500 रुपए नहीं है घर जाने के? बेवकूफ ना, किसी और को बनाना। और तुम लोगों ने ना ये नया तरीका ढूंढा है क्या भीख मांगने का? वैसे ना तुझे एक बात बता दूं, ये तरीका ना बहुत पुराना हो चुका है। तो एक काम कर, नया तरीका ढूंढ भीख मांगने का, तो शायद कोई दे भी दे। क्योंकि मेरी मजबूरी है, सामान चोरी हो गया इसलिए। और आप ये बैग ले लोगे तो क्या पता आपकी भी किस्मत बदल जाएगी। तो मैम, ये बैग बहुत लगती है, मेरा सारा सामान चोरी हो गया, लेकिन ये बैग चोरी नहीं। आज तक ना मेरी किस्मत ऊपर बैठा भगवान तो बदल नहीं पाया, ये बैग बदल देगा। अगर ये किस्मत बदलता ना तो तेरी बदल देता पहले, और तेरे पैसे नहीं चोरी होते, ना तेरा फोन चोरी होता, और तू भीख मांगने नहीं आता मुझसे। फालतू में ना मेरा टाइम खराब मत कर, तेरी भलाई इसी में है, निकल ले यहाँ से। भैया की बैग ले लो 500 रुपए में, 1500 से एक ही बैग है और 500 में दे रहा हूँ। भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? वैसे मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है, तू और दिमाग खराब करने के लिए आ गया मेरा। भाई मेरे को खुद पैसे दे दे तू, ताकि मैं अपनी बाइक में पेट्रोल डला के घर जा सकूं। एक घंटे से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। भाई तू चले जा यहाँ से, मेरे को नहीं चाहिए तेरा बैग। भाई ये बैग ले लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाए। भाई तू अपनी किस्मत ना खुद बदल ले, चले जा यहाँ से, मेरे को नहीं लेना तेरा बैग। मैडम जी। हाँ जी सर, बोलिए। मैडम जी, मैं गांव से आया था, तो मेरा पर्स मोबाइल दोनों चोरी हो गए, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब ये एक बैग बचा है मेरे पास, और है भी 1500 का, लेकिन मैं 500 रुपए में बेच दूँगी। काफ़ी लोगों से मैंने हेल्प भी मांगी है, ये बैग ले लीजिए, कोई ले ही नहीं रहा है। तो ये बैग मेरे लिए बहुत लगती है, मेरा सारा सामान चोरी हो गया, लेकिन ये बैग चोरी नहीं हुआ। क्या पता ये बैग आपकी किस्मत बदल दे। सर किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपकी ऐसे ही मदद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप सच में मुसीबत में हैं, और जो इंसान मुसीबत में हो उसकी मदद करनी चाहिए। वैसे तो 500 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मेरे पास पैसे हैं। और हाँ, मुझे बैग की ज़रूरत नहीं है, तो बैग आप रख लीजिए। देखिए, यहाँ पे किसी ने मदद नहीं की थी, लेकिन आपने मेरी मदद की है, ये बैग तो आपको रखना ही पड़ेगा। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। धन्यवाद। लेकिन ये बैग में वजन क्यों लग रहा है? कहीं सर का कुछ सामान तो नहीं छूट गया? पैसे वो सर कहाँ गए? भगवान, तुझसे मैंने थोड़े से पैसे की मदद मांगी थी, तुमने तो इतने सारे पैसे दे दिए। अब इन पैसों से मेरी बेटी का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। इलाज तो छोड़ो, अब मुझे कपड़े प्रेस का काम भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रख सकती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है।